हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु को छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। खासकर यूपी में तो बहुत तेज़ बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सबको कोरोना हो जाएगा और शासन और प्रशासन ने एक ऐतिहासिक फैसला दोबारा लिया है कि विशेषकर कोचिंग संस्थान अभी बंद रहेंगे और 144 भी लगा है 3 मई तक। तो ये तो ऑफिशियली चीज़ें हैं, लेकिन जिस हिसाब से आज ग्राफ देखें 1,15,000 से ऊपर, तो मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन की तो फुर्सत है। अब ये जून तक बंद रहेगा कि जुलाई तक बंद रहेगा कि अगस्त तक कि सितंबर तक, ये मैं नहीं कह सकता, इतना मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। लेकिन अनुमानतः जहाँ तक मुझे दिखाई देता है, थोड़ा कुछ अभी लंबा चलेगा। और सरकार ने, जैसा कि इनका पहले से विचार भी था कि कुछ परीक्षाएं करानी है कि नहीं करानी है, तो कुछ परीक्षाएं अभी स्थगित भी हुई हैं किन्हीं कारणों से, वो कारण आपको अच्छी तरीके मालूम है। और इस बीच जो ये वीडियो बनाया जा रहा है वो इस संदर्भ में है कि संस्था ने, खासकर विशेषकर मैं, एक निर्णय लिया हूँ। उसका निर्णय लेने का कारण ये है कि पिछले 12-13 दिनों से संस्थान बंद है, तो अभी तक तो यही मालूम था कि 5 तारीख से चलेगा। और 5 तारीख तक जो दिनचर्या थी, आज 7 तारीख तक की जो बात बता रहा हूँ, मैं सुबह 11, 11:30, 12 बजे सो के उठता था, कारण कोई मकसद नहीं रहता था। और ऐसा कुछ स्टूडेंट भी हमको बताते थे कि सर कभी हम 10 बजे सोते हैं, 11 बजे सोते हैं। तो उसी को देखते हुए, चूँकि मेरी एक आदत रही है कि मैं कभी बच्चों के हित में कोई निर्णय नहीं लेता, ये एक जो बच्चे क्लास करते हैं उन्हें अच्छी तरीके मालूम है, और ना मैं अपने लिए कभी कोई निर्णय लेता हूँ। मैं हमेशा जीनित क्लासेस के हित में निर्णय लेता हूँ। तो जीनित क्लासेस का हित उसी में है जिसमें मेरा हित है, और जीनित क्लासेस मेरा हित उसी में है जिसमें बच्चों का हित है। तो मैंने ये सोचा है कि कल से यानी 8 तारीख से सुबह 8 बजे से लाइव क्लास चलाई जाएगी। तो उसका मकसद यही है कि 8 बजे क्लास चलाने का मतलब ये होगा कि सुबह मुझे किसी भी हालत में 7 बजे तो उठना पड़ेगा, तो इसी बहाने सुबह उठने का एक मकसद मिल जाएगा मुझे। और वो बच्चे जो कि थोड़ा बहुत क्लास करेंगे, 1-1.5 घंटे की क्लास चलेगी, तो अगर वो इसे ज्वाइन करते हैं, बराबर करते हैं, तो उनकी भी दिनचर्या काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। यहाँ कंपटीशन में बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि दिनचर्या को सामान्य बना के रखा जाए। अभी जैसे कि पिछले बार लगभग 8 महीने का लॉकडाउन हुआ था, तो बच्चे बताते थे कि पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, दिन भर सोते रहना, कोई काम न करना, आज की चीज़ों को कल पे टाल देना, वीडियो वगैरह भी, न जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले लिए थे, 2-3-4 वीडियो देखने के बाद उन्होंने कोई वीडियो नहीं देखा, उनका भी पैसा बेकार गया। तो कभी भी किसी संस्था में ऑनलाइन अगर एडमिशन लीजिएगा कि मुझे ऑनलाइन क्लास करनी है, तो पूरा संयम के साथ सोच विचार कर ही निर्णय लीजिएगा। क्योंकि पहले तो ऊपर ऊपर से बहुत कुछ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, अंदर जाके कुछ और रहता है। और मेरा हमेशा से मानना रहा, मैंने हमेशा अपनी क्लास में भी कई बार कहा है कि किसी कोचिंग संस्थान में केवल एडमिशन ले लेने से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ना कोई कोचिंग वाला आपका एडमिशन करवा सिलेक्शन करवा सकता है, सिलेक्शन बच्चा अपने लगन और परिश्रम से ही करता है। तो जरूरी ये है कि आप लोग निरंतरता बनाए रखिए, रेगुलरिटी बनाए रखिए, और हमारे तरफ से एक संस्था कोशिश करेगी कि कल से, यानी आप ऐसे से ले लीजिए 8 अप्रैल सुबह 8 बजे से, यानी कल से सुबह का समय मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसी बहाने मैं उठ जाया करूंगा सुबह 7 बजे, और ये भी बहुत जरूरी है एक स्वस्थ रहने के लिए। तो कल से आप लोग की एक क्लास चलेगी, और ज़्यादातर फोकस मेरा, आपको बता दें, जियोग्राफी पे रहेगा, भूगोल ज़्यादातर,
और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर। और ये जो क्लास चलेगी ये थोड़ा कॉमन क्लास होगी। कॉमन क्लास का मतलब होता है किसी भी ग्रुप के, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों या एसएससी की तैयारी कर रहे हों या सिविल की तैयारी कर रहे हों, तो विशेषकर ग्रुप डी ग्रुप सी ये जो परीक्षाएं लगी हुई हैं, अब तो दोबारा वीडियो भी होगी मैंने सुना है ऐसा कुछ, पता नहीं कौन कौन सी परीक्षाएं दोबारा होंगी, ये तो देखने वाली बात है। तो पूरी कोशिश ये रहेगी कि भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में, क्यों ऐसा क्यों भूगोल को ही क्यों चुना गया, सबसे ज़्यादा टारगेट मान लीजिए कि क्लास में 70% आइटम जो है आपका ज्योग्राफी का ही रहेगा भूगोल का, और 20% आइटम इकोनॉमी का रहेगा, बढ़ता घटता भी रहेगा लेकिन ये चलता रहेगा एक एक करके। तो भूगोल और अर्थव्यवस्था से भी रहेगा आपका बीच बीच में, इससे फ़ायदा उन बच्चों को भी होगा खासकर भूगोल से जो टेट वगैरह की तैयारी करते हों, कि मायने नहीं रखता कि वो हमारी संस्था से जुड़े हों या किसी भी संस्था से जुड़े हों, वो एक कॉमन है स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को हर जगह से लाभ लेना चाहिए जहाँ भी हो। सभी संस्थाएँ अपना हमेशा 100% देने की कोशिश करती हैं, अब उससे बच्चा कितना लाभ ले सकता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो कल सुबह 8 बजे से आप जुड़िए, और चूँकि किसी भी संस्था के आप स्टूडेंट हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप जीनित के हों, आप मुझसे व्यक्तिगत भी आके, लेकिन ये चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल है नियमों के दायरे में आपको भी रहना है हमको भी रहना है, कोई व्यक्तिगत क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज कर दीजिए सर कि मैं आना चाहता हूँ, तो मैं उसे देखूँगा तो मैं बताऊँगा कितने बजे आना है। एक साथ 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मैं किसी की बीमारी का जिम्मेदार नहीं बनना चाहता। तो कोशिश कीजिएगा कि ये क्लास आप कर लीजिएगा, और अगर आप ये सोचते हैं कि हम बाद में वीडियो देख लेंगे, वीडियो, अरे बाद बाद के चक्कर में क्या से क्या हो गया बताइए। हाँ अभी भी कई बच्चे हैं बता रहे हैं सर कि हम गेहूं काट रहे हैं, खेतों में लगे हैं, जो भी है उनकी समस्याएं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस संदर्भ में आपकी भी कोई राय हो तो आप व्यक्तिगत रूप से आके मिल सकते हैं, अभी जब तक सरकार का शासनादेश नहीं आएगा। जाहिर सी बात है अभी कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं कि 15-20 बच्चों को चोरी से पढ़ा दे। हाँ जिस संस्था में इतने बच्चे हों, बैठाने की जगह नहीं रहती है, उनके लिए हम चोरी छुपे वाला काम तो कर नहीं सकते, ठीक। 15-20 बच्चों को चोरी से पढ़ा देंगे हमको क्या मिल जाएगा। अब ये वहाँ पे हो सकता है जिनके पास 15-20 बच्चे हों वो ये काम कर सकते हैं। और मेरा ये कहना है कि आप इस वीडियो का थोड़ा सा लुत्फ लीजिएगा। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अभी जैसे कि वीडियो बन रहा है तो कोई बहुत बड़ी टेक्निकल टीम हमने नहीं रखी है कि एक 2 आदमी कैमरा पकड़े रहें, 4 आदमी लाइट पकड़े रहें, ठीक। अब की बार जो वीडियो बनेगा एक पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो स्क्रीन है इस पे जो लिखा रहेगा वो आपको साफ सुथरा दिखना चाहिए, मेरी पिक्चर आए ना आए, ब्लैक आए काली आए ये मायने नहीं रखता है, चूँकि आप पढ़ाई के उद्देश्य से कर देख रहे हैं तो ये बोर्ड आपको साफ सुथरा दिखना चाहिए, ये पूरी कोशिश रहेगी। तो इस बोर्ड में जैसे मान लीजिए कोई PDF वगैरह है, अभी जैसे ये है, तो जब इस PDF को हम खोलेंगे तो हो सकता है ये देखिए कुछ पिक्चर आ रही हो, लेकिन ये बोर्ड आपको एकदम साफ सुथरा दिखाई देगा। तो ये कोशिश रहेगी कि आपको बोर्ड साफ सुथरा दिखाई दे, और मैं हो सकता है किसी दिन क्लास ना चले, लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी कि आपकी क्लास चले, क्लास चलेगी। मैं भी इंसान हूँ, अस्वस्थ हूँ या घर में कोई काम पड़ गया है, अब बहुत लंबी छुट्टी मिली है, आप परेशान मत होइए, ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, सारी चीज़ें होंगी और ये पूरी होंगी। मैं अपनी GS की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, और बाकी रीजनिंग के टीचर आप जानते हैं व्यस्त रहते हैं, मैथ वाले टीचर भी दूर से आते हैं, हमारे हिंदी वाले सर, इंग्लिश वाले सर, ये कोई झलवा में या यहाँ आसपास तो रहते नहीं कि इनको बुला लें, सबके पास अपने अपने काम। मैं अपनी GS की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, GS की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट्स का, देखिएगा कल से आप वीडियो।